हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ नींबू पानी। जी हाँ फ्रेंड, नींबू पानी ऐसा इतना टेस्टी है जो हमारी, जैसे आपको पता है कि इस समय इतनी गर्मी है और हमारी गर्मी को तुरंत तुरंत ही एकदम से अभी हमें एकदम कूल कर देने वाला है। ओके, हमारे माइंड को एकदम से फ्रेश करने वाला नींबू पानी जो बहुत ही मैं टेस्टी बनाने वाली हूँ। आपके सामने भी दिखाती हूँ मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे रखा है काला नमक और भुना हुआ जीरा है। काला नमक भी है, जीरा है, हमने साथ में रखा है, काला नमक ज़्यादा डालना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारा, क्योंकि हम बनाने वाले हैं 3 ग्लास नींबू पानी, तो हमारा 6 चम्मच शक्कर रहेगा। 6 चम्मच, इस चम्मच से 6 चम्मच शक्कर रहेगा और हमारे 2 नींबू रहेंगे। ये देखिए हमारा 1 नींबू, हमने इसको कट करके रखा है, आप इसको 4 मत समझ लेना, ये 2 नींबू है। ठीक है, एक छोटा साइज़ है, एक थोड़ा सा मीडियम अच्छा साइज़ है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये इतना टेस्टी लगता है कि हमारे माइंड को एकदम फ्रेश कर देता है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर हमने 3 ग्लास पानी ले लिए हैं। आपको हमने बताया कि हम 3 ग्लास ही बना रहे थे। ओके, 3 ग्लास में हम 2 नींबू डालेंगे, 2 लेमन। ओके, 2 लेमन हम डालेंगे। तो हम इस तरह से स्क्वीज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई और चीज़ नहीं है कि स्क्वीज करें हम, उसके लिए हम हाथ से ही कर रहे हैं। ठीक है, आप ट्राई करना दोस्तों, ये सच में इतना टेस्टी लगता है ना कि मतलब पूरी गर्मी जो है, हमें इतना पसीना हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो सब हमें इसे पीने के बाद बहुत ही कूल, बहुत ही फ्रेशनेस लगने वाला है। ये जो नींबू का जो इसमें जो सीड्स है सब इसके अंदर, आप ऐसे ही मत दे देना, आपको तो वैसे भी मालूम है पहले से कि हमें ये सब, ये सारी चीज़ों को हमें फिर से इसको छन्नी से छानना पड़ेगा। ठीक है, तो नींबू से पहले हम थोड़ा इसमें ये डाल लेते हैं नींबू को, तब तक शक्कर ये इसमें मेल्ट होता रहे। देखिए 3 ग्लास हमारा पानी है तो 6 चम्मच शक्कर हम डालेंगे फुल। 1, थोड़ा बहुत गिर रहा है, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो ये 6 चम्मच हमारा शक्कर है इसके अंदर, ये घुलता रहेगा तब तक हम नींबू को अच्छे से स्क्वीज कर लेते हैं। ट्राई करना दोस्तों, आप लोग घर पे जो आप बाहर जाके पीते हो ना, तो सोचते हो ना कितना टेस्टी है, क्या है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, आप घर पे आराम से बना सकते हो, इतना एफर्ट नहीं आपको देना है बाहर जाकर। ठीक है, आपको पता है ना कोरोना का टाइम है और बाहर जाकर सब लोग, सबके हाथ टच होते हैं, सब कुछ टच होता है, ग्लास न जाने कितने कैसे कैसे लोग पी कर जाते हैं, तो हमें भी डर लगता है अंदर से। आप एक बार ट्राई करो घर पे, ऐसे बनाओ और पियो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अगर आपको, आपने 2 नींबू ले लिया, अगर आपका नींबू काफ़ी बड़ा साइज़ का है तो आप इसका जो रस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो आप उसमें से 1 पीस नहीं स्क्वीज करोगे तो ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा भी हो जाएगा ना। हालाँकि हमारा एक सूखा थोड़ा था नींबू ना, इसके लिए मैंने पूरा 4 पीसेज हमने इसमें डाल दिए हैं, जितना मीठा उतना खट्टा। और इसके बाद उसमें हम डालेंगे काला नमक और जीरा, जीरा हमारा भुना हुआ रहेगा, भुने हुए जीरे का पाउडर। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से, ये फटाफट हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, देखिए आपके सामने, देखिए बहुत शक्कर अभी छोटा हो रहा है। मज़ा आता है इसको बनाने में भी, पीने में तो पूछो ही मत। और पीने के टाइम पे ग्लास में थोड़ा आइस क्यूब डालेंगे, अगर आपको ज़्यादा ठंडा पीना है तो, ज़्यादा ठंडा नहीं पीना है तो फ्रिज में रखा हुआ जो बॉटल का पानी है आप वही यूज़ कर लीजिए, हमारा फ़िलहाल ये नॉर्मल पानी है। ओके, इसके लिए हम बाद में इसमें ऐड करेंगे आइस क्यूब्स। तो दोस्तों हमने इसको काफ़ी हद तक इसको मिला लिया है, अब ये मिक्स ही हो गया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं, यह भुना हुआ जीरा है और काला नमक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बहुत ज़्यादा, देखो बस टेस्ट के हिसाब से थोड़ा डालेंगे, समझ लीजिए कि इसमें 4 चुटकी रहेगा, हमारे चुटकी से 4 चुटकी। आप अपने जो पिंच होता है ना, ऐसे लेते हैं ना हाथ में ऐसे करके, आप वैसे डालना। ठीक है, हम अपने उसी हिसाब से हम स्पून से डाल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। आप अपने हाथ से ऐसे उठाकर पिंच पिंच करके डाल देना, एकदम जितना आपके पिंच में आए, कितना, कम से कम 4 या 5 पिंच आप डाल देना। और आपको ज़्यादा पसंद है काला नमक जीरे का टेस्ट तो थोड़ा सा और भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है।
ये आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अब हमारा नींबू पानी तैयार हो गया फ्रेंड्स। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको छान देंगे। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, हमारा ये ग्लास बहुत छोटा साइज का है। हमने इस ग्लास से मेज़र किया था, आपको दिखा देते हैं। इस ग्लास से हमने मेज़र किया है, ठीक है, जो आपका ग्लास रहेगा जितना, ठीक है, ये ग्लास से। ओके, देखिए अब हम इसको यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ओके, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है फ्रेंड्स हमारा ये ग्लास। हमने जानबूझ के छोटा वाला रखा है यहाँ पे आपको थोड़ा दिखाने के लिए। अभी मैं आपको इसमें आइस क्यूब डालती हूँ। देखिए बस एक एक, जैसा कि छोटा ग्लास है और छोटा है तो उसके हिसाब से हमने एक एक पीसी आइस क्यूब डाला है। अब आप इसको पीकर देखोगे, इतना यकीन मानिए इतना टेस्टी है, मुझे तो ये बनाते बनाते मेरे मुंह में ही पानी आ जाता है। देखिए ये देखिए कितना टेस्टी है, अब तो पी के पता चलेगा ना। अगर ज़्यादा किसी को थोड़ा और सॉल्ट वगैरह चाहिए तो आप ऊपर से भी थोड़ा बहुत डाल सकते हो। ओके, ये कलमक जीरा ये ऊपर से भी थोड़ा डाल सकते हैं। तो आप पी के आप ट्राई करो दोस्तों, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपको पसंद आता है तो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक यू।